अगर समर में स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना है या फिर कुछ स्नो एक्टिविटी करना है तो मनाली इज़ वन ऑफ द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। हम लोग जाने वाले हैं कोकसर वैली, वन ऑफ द ब्यूटिफुल वैली इन हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हम लोग स्नो एक्टिविटीज़ करेंगे। अगर स्नोफॉल होगा तो उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। कोकसर में जो स्नो पॉइंट है वो अप्रैल मई तक ही वहाँ पे स्नो गिरता है, फिर उसके बाद विंटर में। और रोहतांग पास में जो है लगभग साल में हर वक्त वहाँ पे स्नोफॉल होता ही रहता है, स्नो रहता है और बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है। सो अभी रोहतांग पास बंद है, मिड ऑफ मई में खुलेगा। सो आई थॉट क्यों ना ये कोकसर वैली एक्सप्लोर किया जाए और आपको ये वीडियो दिखा जाए, सो दैट जो अप्रैल और मई में आ रहे हैं दे कैन प्लान देयर ट्रिप। सो अभी हमारा गाड़ी आ रहा है 15 मिनट में, जॉस्टल से ये 1 ही किलोमीटर होगा। ऐसे बहुत सारे स्टोर आपको मिल जाएंगे जहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ की आपको ड्रेसेस और एक्टिविटीज़ करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे करना होगा एंड वो रिसिप्ट लेके आपको उधर दिखाना पड़ेगा। सो यहाँ आपको मिलेगी स्नो ड्रेसेस, एक्टिविटीज स्नो लाइक स्कीइंग, ट्यूब, जिप लाइन, माउंट बाइक, सारा एक्टिविटीज में भैया बहुत अच्छा रेट लगा दिए। अभी जब आई टू चेकआउट का मौका दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। कुक्स आप अटल टनल होके जा सकते हैं या फिर रोहतांग पास होके। अभी रोहतांग पास बंद है सो बहुत कम टाइम के लिए खुलता है एंड थैंक्स टू अटल टनल जो कि हम लोग इजीली वहां पे जा सकते हैं। और अटल टनल के बारे में एक खास बात यह है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल है और इसका जो लेंथ है वो अराउंड 9 किलोमीटर है। और 4-5 साल पहले अटल टनल नहीं था तो रोहतांग पास होके जाना पड़ता था। जब हैवी स्नोफॉल हो जाता था तो रास्ता बंद रहता था और बहुत टाइम लेता था। अब जब भी मनाली आ रहे हैं तो डू विजिट अटल टनल, ये अपने आप में ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अटल टनल क्रॉस करने के बाद जो व्यू हमें देखने को मिला वो इनक्रेडिबल ब्यूटिफुल था, मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा था। इतना खूबसूरत व्यू, चारों ओर स्नो कवर्ड माउंटेन। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोकसर वैली और यहाँ पे बहुत सारे स्नो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करने वाले हैं। सो गाइस दिस इज मई 2023 और अभी जो ऐसा माहौल है ये विंटर की तरह लग रहा है, बट बिलीव मी दिस इज इन समर और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कोकसर वैली। But when you started leaning on somebody else, I didn't know you gave me a sign. Now my shoulders are closed. So Chiku, are you enjoying all the activities? So guys, weather बहुत ही अच्छा हो चुका है and हमारा दो activities complete हो गया है और बहुत जोर बारिश हुआ। ना हम लोग और एक स्नो पॉइंट में जा रहे हैं, होगा तो थोड़ा बहुत और एक्टिविटी करेंगे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट कोकसर वैली। अगर आप समर में स्नो फॉल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर कुछ स्नो एक्टिविटीज करना है तो डू चेक आउट दिस प्लेस
along with Rohtang Pass. So guys, stay tuned and enjoy our series. Bye bye. You don't accept that we had a standstill. While you be building walls made of steel. Here we go, calling it quits so you can find someone to click with. Someone new fit. Treat us like a business. Sharp tongue cut like a knife. This isn't us. I